तो दोस्तों, इस भारत में कई धार्मिक स्थान है जो बहुत ही सत्य है और इनका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आज ऐसे ही धार्मिक स्थल के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना लेट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं कुंदन कुमार और आप देख रहे हैं के एफ कुंदन। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ के ये दो प्रमुख तीर्थ हैं। इन दोनों के दर्शन का बहुत ही अधिक महत्व है, महिमा है। इसका वर्णन शिव पुराण और संकट पुराण में भी है। शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करने जाता है, उसकी यात्रा निसफल मानी जाती है। साथ ही जितना महत्व कैलाश पर्वत का है, उतना ही महत्व केदारनाथ का भी है। तो आइए आपको बताते हैं यहाँ से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। उत्तराखंड में हिमालय में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों से में शामिल है। साथ ही साथ चार धाम और पंच केदार में से एक भी है। यहाँ की प्रतिकूला जलवायु के कारण यह मंदिर पर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुला रहता है। केदारनाथ नामक सिंह स्थित है। केदारनाथ पर्वत केदारनाथ हिमालय के केदार पर्वत पर अवस्थित है। केदारनाथ धाम तीनों तरफ पहाड़ से घिरा है। एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचाई केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,000 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भारत कुंड नाम का पहाड़ है। समुद्र तल से धाम 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर पांच नदियों का संगम है। इस प्रकार है मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा और सरस्वती, स्वर्ण गौरी नदी। इन नदियों में से कुछ अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी नदी आज भी मौजूद है। इसी के कारण केदारेश्वर धाम स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी मात्रा में बर्फ और बारिश बहुत ही सारा रहता है। ऐसे ही मंदिर की वास्तुकला, यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग में मंडप और गर्भ गृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। बाहर आंगन में नदी बेल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान हैं, जिनकी श्रद्धालुओं पूजा भी करते हैं। किलोमीटर की होती है पैदल यात्रा। जब इस मंदिर पर विपद के बादल छा गए थे, तब से केदारनाथ धाम की दूरी 3 किलोमीटर बढ़ गई है। पहले यात्रियों की को गोरीकुंड से धाम तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन अब यह दूरी 17 किलोमीटर की हो गई है। जो यात्री बड़े बुजुर्ग हैं, वे घोड़े या खच्चर पर बैठकर भी यात्रा करते हैं। कैसे बड़ा पंच केदार नाम प्राणी के कथाओं के मुताबिक जब भगवान शंकर बेल के रूप में अंतर ध्यान करते हुए जब उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में पाया गया है, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। साथ ही शिव जी की भुजाएं तंगुनाथ में, मुख्य रुद्रनाथ नाभि माधवेश्वर में भी है और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई है। इसीलिए इन चारों स्थानों के नाम के साथ केदारनाथ धाम का पंच केदार कहा जाता है। चमत्कारी चट्टान मंदिर के पीछे मंदाकिनी नदी के किनारे बसा केदारनाथ मंदिर का 6 वर्ष से पहले आए प्रलय के बाद बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस विनाश में सबसे कुछ खत्म हो गया था। केदारनाथ में पीछे पानी के बहाव के साथ आई एक बड़ी चट्टान इस तरह के कवच बनी रही कि मंदिर एक ईंट की को भी नुकसान नहीं होने दिया। इस शिला का नाम भीम शिला रखा गया। केदारनाथ जाने वाले सभी भक्त इस शिला को भी पूजा अर्चना करते हैं। यह शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन घंटी के साथ।